गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पार्ट ए, गलती का एहसास। ठीक है, इसमें एक बच्चे की कहानी है, किस तरीके से उसे अपनी गलती का एहसास होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उस दिन खाने की छुट्टी की घंटी सुनकर रोहन भागा और उसके पीछे ईशान भी। अचानक रोहन भागता हुआ अध्यापक की मेज से टकरा गया। अब क्या था कि रोहन एक दिन एक स्कूल में जब अपने स्कूल में था तो खाने की छुट्टी हुई, लंच ब्रेक हुआ उसका, तो उसको क्या हुआ कि वो दौड़ते हुए अपने रूम से निकला और उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे ईशान भी पीछे पीछे उसके उस रूम से दौड़ करके भागा। और जो टीचर का जो मतलब टेबल होता है, मेज होता है, उससे वो जा करके टकरा गया। अध्यापक, यहाँ पे अध्यापक का मतलब शिक्षक सर, ठीक है, टकरा गया। मेज पर अध्यापक का चश्मा रखा हुआ था, रोहन के टकराने से चश्मा गिर कर टूट गया। अब क्या हुआ कि वो जब टेबल से रोहन टकराया तो वो जो चश्मा था वो गिर करके टूट गया। रोहन जानता था कि अध्यापक हमेशा की तरह अपना चश्मा और रजिस्टर कक्षा में रखकर बाहर गए होंगे। सभी बच्चों के आने के बाद वे कक्षा में आएंगे। अब क्या हुआ कि जैसे खाने की जब छुट्टी हो गई तो सभी बच्चे बाहर खेल रहे थे, अपना लंच करने गए थे, तो रोहन को पता था कि जो उसके जो सर हैं वो हमेशा की तरह मेज पर अपना मतलब टेबल पे रजिस्टर और चश्मा रख करके भूल गए हैं, और उस खाने की जब छुट्टी हो जाएगी, जब बेल बज जाएगी क्लास का, तब वो आएंगे और अपना रजिस्टर और चश्मा ले करके जाएंगे। रोहन ने जल्दी जल्दी चश्मा उठाकर वैसे ही मेज पर रख दिया और अपनी सीट पर बैठ गया। रोहन ने क्या किया कि वहाँ जल्दी से जो टूटा हुआ चश्मा था उसको उठा करके अपनी मेज पर फिर से रख दिया और बैठ गया। सभी बच्चों के आने के बाद अध्यापक भी कक्षा में आ गए। फिर क्या हुआ कि उनकी खाने की छुट्टी का जो बेल था वो खत्म हो गया, फिर से क्लास लगने लगा। रोहन फिर से अपने क्लास में आया, साथ में अध्यापक जी भी सारे बच्चों के आने के बाद कक्षा में वापस आ गए। टूटा चश्मा देखकर उन्होंने बच्चों से पूछा, मेरा चश्मा किसने तोड़ा? सभी चुप थे। जब वो आके अपनी चेयर पर बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते और देखते हैं उनका चश्मा टूट गया, वो पूछते हैं कि मेरा चश्मा किसने तोड़ा, तो सभी बच्चे चुपचाप उनको देख रहे थे, किसी ने कुछ नहीं बोला। रोहन के तो पसीने छूट रहे थे, तभी ईशान बोला, सर सबसे पहले रोहन कक्षा में आया था। उसके बाद क्या हुआ कि रोहन डर गया था क्योंकि चश्मा तो उसी से टूटा था, तो उनको उसका मतलब डर के मारे पसीना निकलने लगा था। तो ईशान बोलता है कि सबसे पहले यहाँ कक्षा में रोहन आया, तो शायद रोहन से ही टूट गया होगा। अध्यापक ने रोहन को बुलाया, रोहन इधर आओ, क्या सबसे पहले कक्षा में तुम आए थे? फिर क्या है कि जो उसके सर थे उन्होंने रोहन को बुलाया और पूछा कि सबसे पहले क्या इस कक्षा में तुम आए थे? रोहन से बोलते हैं, रोहन नजरें झुकाए बोला, जी लेकिन जब मैं कक्षा में आया तो चश्मा पहले से ही टूटा हुआ था। फिर रोहन बोलता है कि कक्षा में मैं पहले जरूर आया था, मगर जब तक मैं कक्षा में आया तब तक ये चश्मा टूटा हुआ ही था। अध्यापक समझ गए कि रोहन झूठ बोल रहा है, लेकिन उन्होंने रोहन से कुछ नहीं कहा, बोले ठीक है अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। तो जो सर थे वो समझ गए कि रोहन झूठ बोल रहा है, चश्मा रोहन से ही टूटा है, मगर वो उसको डांटते नहीं और बोलते हैं अपनी जगह में जाकर के बैठ जाओ। अगले दिन वह स्कूल के लिए निकला। वह सोच रहा था कि अध्यापक को यदि सच्चाई का पता चला तो मम्मी पापा को कह देंगे। फिर वो दूसरे दिन जब वो स्कूल के लिए फिर से आया तो उसको लग रहा था कि यदि मतलब सर को जैसे पता चल जाएगा तो वो अब मेरे मम्मी पापा को बता देंगे कि उससे ही सर का चश्मा टूटा है। आज मैं अध्यापक जी को बता दूंगा कि चश्मा मुझसे ही टूटा है। खाने की छुट्टी समाप्त होते ही एक लड़का आकर बोला, रोहन तुम्हें अध्यापक जी ने बुलाया है। फिर क्या होता है कि वो सोचता है मन में कि आज मैं जाऊंगा घर पे और स्कूल जाऊंगा और जाके सर को बोलूंगा कि ये चश्मा मुझसे ही टूटा है। तब तक क्या होता है कि खाने की छुट्टी हो जाती है और उसको फिर से जो सर है वो फिर से उसको बुला लेते हैं। रोहन घबरा गया, लगता है अध्यापक जी को सब पता चल गया। फिर रोहन मन में सोचता है कि कहीं इनको सब चीज़ पता तो नहीं चला गया कि चश्मा मुझसे ही टूटा है। रोहन वहाँ पहुँचा तो देखा कि उसके मम्मी पापा भी वहाँ थे और अध्यापक भी
तो जब वो जाते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में और वहाँ देखते हैं कि उसके मम्मी पापा भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, साथ में रोहन ए जो सर है वो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। रोहन बोला, मम्मी पापा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने जानबूझकर चश्मा नहीं तोड़ा था, मैं डर गया था, लेकिन अब मैं सच बताने ही वाला था। मम्मी रोहन को गले लगाते हुए बोली, तुम तो अच्छे बच्चे हो, तुमने गलती मान ली, यही सबसे अच्छी बात है। फिर रोहन वहाँ पे बोलता है कि जैसे अपने मम्मी पापा को देखता है, जाके बोलता है कि मुझसे ही चश्मा टूट गया था और अपनी गलती को वो स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो फिर उसके मम्मी बोलती है कि तुम तो बहुत बहादुर बच्चे हो क्योंकि तुमने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, मान लिया। पापा बोले, रोहन बेटे गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन जब भी गलती हो उसे कभी भी छिपाओ मत। रोहन ने वचन दिया कि अब वो कभी गलती होने पर वो सच सच बता देगा, छिपाएगा नहीं। यह सुनकर उसके मम्मी पापा और अध्यापक भी बहुत प्रसन्न हुए। क्या है कि फिर उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि ठीक है, गलती सबसे हो जाता है, परंतु आप गलती को छुपाइए मत, हमेशा अपनी गलती को मान लेना चाहिए। और जब ये बात उसके पापा उसको समझाते हैं, उसके बाद रोहन बोलता है कि अब तो मेरे से कोई भी गलती होगा तो मैं छिपाऊंगा नहीं, जो भी बात होगी मैं आपको सच सच बता दिया करूँगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। ठीक है, और माफ़ी मांग लेना।